दोस्तों आजकल कोरोना टाइम में मैं घर से एक पेशेंट देख रहा हूँ। एक पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज़ है जो कि 4 टाइम इंसुलिन ले रहे हैं, 3 टाइम शॉर्ट एक्टिंग और 1 टाइम लॉन्ग एक्टिंग। तो उनका क्या हो रहा कि खाना खाने के बाद करीब शुगर करीब 10 सवा 10 लो हो जा रहा, उनका खाली पेट 150 से 200 आ रहा। तो हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये जो लो हो रहा, खाने के इमीडिएट बाद लो हो रहा 1.5-2 घंटे के अंदर, ये कौन सी इंसुलिन लो करती है? क्या ये लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन लो कर रही है या शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन लो कर रही है? तो मरीज से बात करते हैं। तो बेटा आपका खाली पेट 150 से 200 रहा था, ठीक है, ओके। तो आपने जो कल लो हुआ था कितना लो आ गया, शुगर कितना आ गया था कल आपका, खाने के कितनी देर बाद, खाने के कितनी देर बाद लो? 1.5 घंटे बाद। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं जो खाने के डे, तो आपने बोला कि आपका जो शुगर है खाने के 1 आवर 30 मिनट बाद 70 चला गया। तो ये जो शुगर लो आया ये लॉन्ग एक्टिंग 2G ने किया या शॉर्ट एक्टिंग कौन सा लगाते हो, शॉर्ट एक्टिंग कौन सा लगाते हो या नो रैपिड? तो ये लो किसने किया तो बताओ, नो रैपिड लो किया या लॉन्ग एक्टिंग 2G ने, किसने लो किया? गलत गलत, आपने 2G कितने बजे लगाई थी? 10:30। और शुगर लो कब हुआ? तो आप सब जान लें कि नॉर्मली जितनी भी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, चाहे 2G हो, चाहे लंटस हो, चाहे ट्रेसिबा हो, ये क्या होता है कि ब्लड में जाने के बाद बहुत स्लो एब्जॉर्ब करती हैं। कोई भी इंसुलिन नॉर्मली एटलीस्ट 1.5 आवर से 2 आवर से पहले काम स्टार्ट नहीं करती हैं। तो जितनी भी इंसुलिन है, 2G भी इंजेक्ट करने के बाद ब्लड में जाके असर स्टार्ट करती है करीब 2 से 4 घंटे बाद, समझे? तो अब जवाब दो, आपको डिनर के बाद जो शुगर 70 आया किसने लाया, नो रैपिड लाया या 2G लाया, कौन लाया बताओ? नो रैपिड। सुन लो, आपने जो डिनर से पहले इंसुलिन कितना लगाया था, नो रैपिड कितना लगाया था? 6 यूनिट है। तो आप सब जान लो कि नोवो रैपिड या ह्यूमालॉग या एपिड्रा या एक्ट्रापिड, ये शॉर्ट एक्टिंग होती है। तो जो नोवो रैपिड होती है इंजेक्ट करने के बाद इमिडिएट काम शुरू कर देता है और इसका असर रहता है कि 2 आवर से लेकर 4 आवर तक, इसका असर रहता है 2 घंटे से लेकर 4 घंटे तक। तो अगर आपको डिनर के बाद या नाश्ते के बाद या लंच के बाद और आपने नो रैपिड या ह्यूमालॉग या एपिडा लगा रखा है आपने और विदिन 3 आवर शुगर लो हो रही है, तो ये आपका अल्ट्रा ये शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन यू लो कर रहा है। तो अगर आपका डिनर के बाद शुगर 70 आ गया तो कौन सी इंसुलिन घटाओगे, कौन सी घटाओगे? नो रैपिड घटाओगे। हुआ क्या, सुन लो, अगर फास्टिंग आपको हर बार 150 से ऊपर आ रहा तो आपको 2G बढ़ाना पड़ेगा, जान लो। और कोई लैंटस ले तो लैंटस बढ़ाइए, कोई ट्रेसिबा ले ट्रेसिबा बढ़ाइए, क्योंकि फास्टिंग कंट्रोल करने के लिए आपको लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन आपको बढ़ानी पड़ेगी। ये जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो नाश्ते लंच डिनर से पहले लगती है, इसका असर 2 से 4 घंटे मैक्सिमम रहता है, तो ये फास्टिंग कंट्रोल नहीं करेगी। तो अब एक चीज़ देखो, आपने 2G बढ़ा दिया, सपोज अब 27 ला रहे हो, आप 28 करोगे, तो जैसे फास्टिंग नॉर्मल आएगी तो आपको नाश्ते के पहले वाली इंसुलिन भी घटानी पड़ेगी। तो आप नाश्ते के पहले कितना नो रैपिड लगाते हो? तो अगर सुन लो अब क्या करोगे, सुन लो अगर फास्टिंग कंट्रोल करना हमें, तो आपकी सुबह की इंसुलिन, अच्छा नाश्ते के बाद शुगर कितनी आ रही है आपकी? नाश्ते में 120 आ रही है। तो हमेशा बता रखा है अगर आपका खाने के बाद शुगर 140 से नीचे आ रहा तो आपको खाने से पहले इंसुलिन घटानी पड़ेगी। तो आप देखो क्या है कि नो रैपिड को सुबह वाली, ये तो रात के नो रैपिड 2 मिनट घटा लो क्योंकि शुगर लो आ रही है, तो रात के 4 कर लो, सुबह की नो रैपिड करो 6 यूनिट, 5 घटाओ, इस 5 में से 4 यूनिट हम आपको बढ़ा देंगे, आपको 2G बढ़ा देंगे। तो अब 2G कर लोगे 30 30 करो, जो 30 कर लो, और सुबह नो रैपिड करो 6 यूनिट,
समझो, जैसे आपको फास्टिंग नॉर्मल आने लगेगा, सुबह की इंसुलिन की जरूरत आपकी कम पड़ेगी। तो आपको तब से समझाया इसे क्लियर, अब क्लियर हुआ ना बेटा। तो आप फास्टिंग कंट्रोल करने के लिए आपको 2GO बढ़ानी पड़ेगी, और अगर कभी नाश्ते के बाद, लंच के बाद, डिनर, कभी भी अगर 140 नीचे आ रहा तो आप अपनी एक यूनिट घटाओ। नॉर्मली आप आफ्टर डिनर शुगर कितनी आती है आपकी, कभी चेक किया आपने? कभी आफ्टर डिनर आपकी शुगर कितनी आती है नॉर्मली? आपने बोला कि डिनर के बाद आपने बोला 71 बोला आपने, कल 71 हो गई थी बोला यहाँ पे। अब आपने दूसरा प्रॉब्लम बोला कि आपका शुगर जो है डिनर के पहले कभी 220 बनाता है, कभी कम आता है। ये बोल रहे हैं कि आप दूसरी प्रॉब्लम बोला आपने कि डिनर के पहले शुगर कभी कभी 220 बनाता है, कभी कभी 100 आता है। तो अगर आपका डिनर पहले शुगर फ्लक्चुएट कर रहा, इसका मतलब कि आप शाम का जो स्नैक लेते हो 5-6 बजे, या आप कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें फ्लक्चुएशन हो रहा। तो ये बताओ मुझे, शाम को स्नैक क्या लेते हो आप? नॉर्मली स्नैक क्या लेते हो शाम को? 3 अंडे लेते हो और कुछ, और एक ब्रेड लेते हो? कभी कुछ कम भी लेते हो क्या कभी? कभी कुछ ज़्यादा लेते हो क्या कभी? कुछ वॉक एक्सरसाइज कुछ करते हो? कब कब कितने कितने बजे? हाँ। तो देखो सुन लो, क्या होता है कि अगर डिनर से पहले फ्लक्चुएट कर रहा तो मेजॉरिटी में कारण यही होता है कि आप स्नैक्स, इवनिंग स्नैक वेरी कर रहा या एक्सरसाइज वेरी कर रहा, प्लस आप जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन बढ़ाओगे ना, लॉन्ग एक्टिंग वाला 2GO बढ़ाओगे, तो ये अगले दिन का डिनर वाले पहले वो भी कंट्रोल करेगा, बिकॉज ये 24 आवर काम करता है। तो अगर आपको फास्टिंग बढ़ के आ रहा या बिफोर डिनर बढ़ के आ रहा, तो आपको ये लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन बढ़ानी पड़ेगी। जो 2GO ले रहे 2GO बढ़ाएं, जो लैंटस ले लैंटस बढ़ाएं, जो ट्रेसवा ले ट्रेसवा बढ़ाएं, क्योंकि लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन ही जो है बिफोर डिनर और फास्टिंग को कंट्रोल करती है। सिंपल नियम जानो, अगर खाली पेट 100 से कम आए तो आप लॉन्ग एक्टिंग 2GO को एक घटा लो, और खाली पेट 120 से ऊपर आए तो 2GO एक बढ़ाओ। अगर शुगर कभी लो हो रही है नाश्ते वाले डिनर के बाद, तो आप उसके पहले नो रैपिड को घटानी पड़ेगी आपकी। तो आपने गलती क्या किया है कि शुगर लो के चक्कर आप 2GO नहीं बढ़ा, आपको फास्टिंग हर हाल में 120 लाना लाना है, और सोते समय बेड टाइम पे कुछ खाते नहीं खाते हो सोते बेड टाइम पे? अच्छा है, तो शुगर लो से बचने के लिए आपको नाश्ते के 2.5 घंटे बाद, लंच के 2.5-3 घंटे बाद, और सोते समय कुछ खाना जरूरी है। ठीक बेटा।